पहला रोल ऑफ अकाउंटिंग बिज़नेस में मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किसी भी बिज़नेस के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना जिससे हमें एक साल के एंड में ये पता चले कि बिज़नेस ने कैसे फाइनेंशियली परफॉर्म किया और कैसी उसकी फाइनेंशियल पोजिशन है उस डेट पर सेकेंड रोल ऑफ अकाउंटिंग है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट अब देखो जो अकाउंटिंग है उससे जो इंफॉर्मेशन आती है उसी के बेसिस पे जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं कंट्रोल कर पाते हैं प्लान्स बना पाते हैं बिजनेस के लिए थर्ड है फैसिलिटीज़ कंपेरेटिव स्टडी अब देखो जो अकाउंटिंग से हमारा रिजल्ट आता है उसे हम लोग दूसरे ईयर के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि चेंज क्यों आ रहा है या नहीं भी आ रहा है ये सब हमें इससे पता चलता है अकाउंटिंग से पता चलता है फोर्थ है एविडेंस एंड कोर्ट अगर हमने प्रॉपरली अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाया है मेंटेन करा है तो उसे हम लोग एज अ कोर्ट में एविडेंस भी पेश कर सकते हैं फिफ्थ है और भी एट्सेट्रा में जो आते हैं अदर्स में कि अगर हमने प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए तो हमें किसी भी बिज़नेस ट्रांजेक्शन को याद रखने की कोई भी नीड नहीं रहती है सेकेंड है लोन्स लेना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि जो बैंक है वो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजिशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड से देख हमें आसानी से लोन दे देती है थर्ड है जब बिज़नेस को हम लोग सेल करते हैं तो बिज़नेस किस प्राइस पे सेल होगा ये हमें अकाउंटिंग से ही पता चलता है फोर्थ है कि टैक्स लाइबिलिटी जब हम लोग इनकम टैक्स जी एस टी ये सब की रिटर्न फाइल करते हैं तो हम लोग अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पर फाइल करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रूफ होता है हमारे सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है अकाउंटिंग प्रोसेस तो अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने पहले भी पढ़ा रखा है कि अकाउंटिंग का प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है पहली चीज़ है हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं मेजर करते हैं फिर उन्हें रिकॉर्ड करते हैं क्लासीफाई करते हैं समराइज़ यानी कि छोटा करते हैं एनालाइज इंटरप्रेट करके यूजर्स तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट कर देते हैं अब इसी को हम लोग फ्लोट चाह से समझते हैं एक बिजनेस है उसमें कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या इवेंट हुआ जैसे ही वो हुआ हमने उसे रिकॉर्ड किया रिकॉर्ड कहाँ किया जर्नल में किया कैश बुक परचेज बुक सेल्स बुक परचेज रिटर्न बुक सेल्स रिटर्न बुक बिल्स पेबल बुक बिल्स रिसीवेबल बुक या जर्नल प्रॉपर इसमें हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया ये आगे के चैप्टर्स में है रिकॉर्ड करने के बाद हमने उसे क्लासिफाई करा उसे ग्रुप करा किसमें लेजर में किया कि कोई भी अगर डेटर का अकाउंट है तो उसमें उससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन है परचेज अकाउंट में परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन है ये हमने ग्रुपिंग करी उसके बाद हमने समराइज़ किया सब चीज़ को छोटा किया कैसे ट्रायल बैलेंस बनाया उससे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और फिर बैलेंस शीट बनाई इससे हमने सारी चीज़ों को समराइज़ कर दिया अब हमने समराइज़ क्यों किया ताकि हम लोग उस डेटा का एनालिसिस कर सकें इंटरप्रेट कर सकें और फिर जो रिज़ल्ट आता है उसे हम लोग यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं और जब ये कम्युनिकेशन हो जाता है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस एंड हो जाता है और फिर से कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग तब तक के लिए थैंक यू एवरी